सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ। एज यू नो, मैं हूँ हनी। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सिल्की स्मूथ शाइनी बालों के लिए क्या करना चाहिए। इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स मुझे रिक्वेस्ट किया है सिल्की स्मूथ और पार्लर जैसा खूबसूरत बाल कैसा पाना है। तो आज मैं आपको घर पे बैठे बैठे आसानी से अपना बालों को पार्लर जैसा सिल्की स्मूथ बाल कैसे कर सकते हो इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी, इसके साथ ही साथ आप वो भी फॉलो करने से बाल जो है हमेशा सिल्की स्मूथ ही रहेंगे और अपना बाल भी हेल्दी भी रहेगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। और वीडियो को देखने के पहले आप लोगों को कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो वीडियो को एंड में आप कॉमेंट कीजिए। आपके कॉमेंट पढ़ के मैं आपका रिक्वेस्टेड वीडियो 2 से 3 दिन के अंदर बना देती हूँ और उस वीडियो के अंदर आपका नाम भी मेंशन करती हूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को हमेशा फॉलो कीजिए। मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करती हूँ आप उस वीडियो को एंड तक देख के एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी इस हेयर रेमेडी के लिए सबसे पहले एक क्लीन बॉल लेना है और क्लीन बॉल में हमें लेना चाहिए एक शैम्पू। मैं यहाँ पे छोटा आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे हेड एंड शोल्डर छोटा सा शैम्पू पैकेट ले रही हूँ। आपकी पसंद की कोई भी रेगुलर शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आप जितना शैम्पू करते हो अपना बालों के हिसाब से आप उतना क्वांटिटी शैम्पू ले सकते हो आपका लेंथ के हिसाब से। मैं आप लोगों के दिखाने के लिए इतना क्वांटिटी शैम्पू ले चुकी हूँ। और इस शैम्पू में इसमें हमें ऐड करना है 1/2 चम्मच नमक, एप्सम सॉल्ट लेना चाहिए। ये समुंदर का सॉल्ट है, ये समुंदर का सॉल्ट ऐड करना चाहिए। आप घर में जो रहता है वो सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एप्सम सॉल्ट बोल के सुपरमार्केट में अवेलेबल मिलता है 50 रुपीस में। आप खरीद के वो सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। इसमें वो सॉल्ट ऐड करके मिक्स करने से ये अपना बालों के अंदर डैंड्रफ को दूर करता है, अपना बालों को पार्लर जैसा सिल्की स्मूथ शाइनी बना देता है। इसलिए मैं इसमें ना एप्सम सॉल्ट ऐड कर चुकी हूँ। आप एप्सम सॉल्ट सुपरमार्केट में मिलता है, ऑनलाइन में भी आप अवेलेबल मिलता है, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट में, तो आप चेक करके परचेस कर सकती है। अभी ये दो चीज़ को अच्छे से मिक्स करना है और इसमें हमें ऐड करना है 1/2 कटा हुआ नींबू का रस ऐड करना है, क्योंकि नींबू इसलिए ऐड कर रही हूँ इसमें हाई अमाउंट ऑफ वाइटामिन सी रहता है। इससे बाल भी बहुत क्लीन होगा और डैंड्रफ भी चले जाएगा और अपना स्कैल्प भी क्लीन रहता है। अगर आप बाल सिल्की स्मूथी शाइनी बनाना चाहते हो, बालों को ग्रोथ बढ़ाना चाहते हो, तो कंपलसरी नींबू इस्तेमाल करना है अपना हेयर केयर में। नींबू स्किन केयर के लिए नहीं, हेयर केयर के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए नींबू ले चुकी हूँ। इससे बाल बढ़ने के साथ ही साथ स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ भी रिमूव होगा, बाल भी हेल्दी रहेंगे और बाल ना कांच जैसा चमकदार और शाइनी दिखता है। सो अब पार्लर जाके केराटिन ट्रीटमेंट करवाने का जरूरी नहीं है, घर पे बैठे बैठे इस आसान रेमेडी को ट्राई करने से काफ़ी है, अपने बाल केराटिन जैसा स्मूथ सॉफ्ट और शाइनी बन जाएंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा क्वांटिटी पानी ऐड करना है, बिल्कुल इस थोड़ा क्वांटिटी 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करना है। पानी ऐड करके इन सब चीज़ को मिक्स करना है। आप इसको जितना अच्छा मिक्स करोगे इससे उतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। इससे बाल जड़ना टूटना भी कम होगा और आपके बाल भी क्लीन रहेंगे। सर्दी के मौसम में काफ़ी सारे लोगों को डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने एप्सम सॉल्ट यूज़ करने से डैंड्रफ भी दूर होगा, बाल भी जड़ना भी कम होगा और हेल्दी भी रहेंगे, ग्रोथ बालों को ग्रोथ भी आ जाएगा। ये सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हो ये तैयार भी हो गया है। इसको अभी कैसे इस्तेमाल करना मैं बताऊंगी। अपना पहले अपना बालों को अच्छी तरह ऑयलिंग करना है। ऑयल करने के बाद इस सॉल्यूशन को अप्लाई करना है। पहले इस पैक को बनाने के बाद एक कॉटन लीजिए, एक क्लीन कॉटन को इस सॉल्यूशन में इस तरह डिप करके अपना स्कैल्प से लेके पूरा बालों को लेंथ तक कॉटन की मदद से इस सॉल्यूशन को अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करके एक 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट तक छोड़ना है। 10 मिनट के बाद अपना बालों को वॉश कीजिए। अब दोबारा शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बाल ज़्यादा ही ऑयली हैं तो आप थोड़ा शैम्पू यूज़ कर सकते हो। 10 मिनट्स रुक के अपना बालों को पानी से अच्छे से वॉश करना है। ऐसा करने से अपना बाल जो है बहुत क्लीन होंगे, शैम्पू भी अच्छी तरह रिमूव होगा, क्योंकि इसमें हम
शैम्पू भी ऐड किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बालों के ऊपर अंदर क्लीनली रिमूव होगा, बालों के अंदर डैंड्रफ भी हट जाएगा, बाल भी बहुत क्लीन हेल्दी सिल्की स्मूथ बन जाएंगे। तो इस तरह आप घर पे बैठे बैठे आसानी से इस रेमेडी को बना के ट्राई कर सकते हो। इससे बाल हेल्दी होंगे, लंबे घने, सिल्की स्मूथ, शाइनी बन जाएगा। बिकनी लाइन हेयर रिमूवर। बिकनी लाइन हेयर को रिमूव करना चाहते हो तो आप एवरटीन बिकनी लाइन हेयर रिमूवल क्रीम को इस्तेमाल करें। इससे बिकनी एरिया डार्कनेस नहीं होगा और अनवांटेड हेयर भी इजी से इजीली आ जाते हैं, और इसकी वजह से इचिंग, रैशेस, इरिटेशन भी नहीं होगा। हेयर रिमूव करने के बाद स्किन जो है बहुत स्मूथ फील करता है और नेचुरली स्मूथ कर देता है। अगर आप बिकनी लाइन हेयर को रिमूव करना चाहें तो एवरटीन बिकनी लाइन हेयर रिमूवर को आप इस्तेमाल करें। इसके लिंक्स मैं वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख चुकी हूँ, आप चेक करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, ये था आज की मेरी सिल्की स्मूथ शाइनी बालों का नुस्खा। अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को रिगार्डिंग कुछ भी कॉमेंट है, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो, उसके आंसर मैं देऊँगी। फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ, और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को ज़रूर क्लिक कीजिए।